नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज लापरवाही की दो तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं कि जिस पर हर कोई व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इससे बड़ी लापरवाही क्या हो सकती है। एक सरकारी स्कूल जहाँ पर गाँव के मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं और उन मासूम बच्चों को 2 महीने पहले की यानी कि 2 महीने पुरानी बासी मिठाई खिलाई जाती है। जब तक तो ठीक था, लेकिन वह मिठाई खाने के बाद बच्चे बेहोश हो गए, बच्चे बीमार हो गए। फिर क्या था, उन बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए था। पहला सवाल तो ये था कि उन बच्चों को बासी मिठाई खिलाई ही क्यों, जो 2 महीने पहले एक शिक्षक के घर शादी में बनाई हुई हो, मिठाई बिगड़ रही थी। तो शिक्षक ने ये सोचा कि इस मिठाई को क्यों ना बच्चों को खिलाई जाए, लेकिन उस शिक्षक के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मिठाई से बच्चे कितने बीमार होंगे। 2 महीने पहले की बासी मिठाई लोग पशुओं को भी नहीं खिलाते हैं, वही मिठाई स्कूली बच्चों को खिलाई जाती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। लेकिन उन बीमार बच्चों को अस्पताल में इलाज करने की बजाय पास ही के एक स्वास्थ्य केंद्र से वहाँ पर लगे कार्मिकों को स्कूल में बुलाया जाता है और स्कूल के फर्श पर नीचे बच्चों को सुलाया जाता है और जो ड्रिप बच्चों को लगाई जाती है वो एक ड्रिप कुर्सी से बांधी जाती है और दूसरी ड्रिप एक स्कूल के दरवाजे के गेट से बांधी जाती है। इससे बड़ी लापरवाही या यूं कहें कि जिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, क्या उन बच्चों को इसी प्रकार से तड़पते हम लोग देखेंगे? क्या आपके बच्चे अगर इस प्रकार के स्कूल में जाकर तड़पेंगे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्या उस शिक्षक ने, क्या उस जो स्वास्थ्य भवन के जो कार्मिक थे उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या हमारे बच्चों के साथ अगर ऐसा होता तो हम ये करते? नहीं ना, तो इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया गया? पहले आप इस वीडियो को देखिए, मैं 2 अलग अलग क्लिपें दिखाऊंगा और उसके बाद पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ भाई, ये खाली मिठाई तो देखा आपने वीडियो, किस प्रकार से एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल के ही फर्श पर तड़प रहे हैं। उन बच्चों का उपचार ऐसे किया जा रहा है जैसे किसी जानवरों का भी नहीं किया जाता हो, और बच्चे ये सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, इस प्रकार तड़पने के लिए नहीं। दरअसल ये मामला पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के गंडेर मेघवालों की बस्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है, जो स्वरूपे का तला ग्राम पंचायत की एक स्कूल है, जहाँ पर एक शिक्षक का बेटा इन बच्चों को मिठाई खिलाने के लिए अपने घर से लेकर आया था और उसके बाद करीब करीब आधा दर्जन 6 से 7 बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उसमें से एक बालिका अभी भी ऐसी है जो अभी भी उसकी स्थिति खराब बताई जा रही है और वो भी बीमार हैं, और कई बच्चे इस बीमारी उनका इलाज भी किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब करीब 20 बच्चों को इस प्रकार की मिठाई खिलाई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या कि इस प्रकार के शिक्षकों और जो स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिक थे उन पर किस प्रकार कार्यवाही होती है? अगर कार्यवाही प्रभावी नहीं होती है तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र पर ये वीडियो सवाल जरूर खड़े करता है।